हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल स्पर्श एवं अभिलंब एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना, ध्यान से समझेंगे। सॉल्यूशन में कह रहा है क्या, वक्र इतना दिया हुआ, वक्र गिवन है वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। किसी बिंदु पर एक दूसरे को समकोण पर काटती है, इसको साबित करना करें, एक दूसरे के समकोण पर काटती है साबित करना। इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे, इस वक्र का और इस वक्र का दोनों वक्र का क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे। यदि दोनों का ढाल m1 इंटू m2 बराबर क्या आ गया, -1। यदि दोनों इसका ढाल और इसका ढाल को गुना करे और उसका रिजल्ट क्या आ जाए, -1, तो क्या कर देगी, समकोण होगा। तो इसका समकोण तब एक समकोण पर कट करेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट कह लो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y और वाई का dy/dx। अब बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, तो यहां पे लिख सकते हैं 2y dy/dx बराबर में, और प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में 2x, और ये dy/dx बराबर हो जाएगा 2y को नीचे लाओ तो 2x/2y, 2 कट गया। इसको हम लोग समझ लो m1 प्रथम वक्र का ढाल निकाले थे, ये प्रथम वक्र के ढाल को समझ लो m1, तो माइनस एक्स बटा क्या हो जाएगा, बाई। तो ये प्रथम वक्र का ढाल हम लोग निकाल लिए m1। अब दूसरे वक्र का ढाल निकाल लो, तो दूसरे वक्र का भी ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएट कह लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2y² का 2 × 4, 4 बाई और फिर बाई का dy/dx हो जाएगा। अब माइनस में x² का डिफरेंशिएट 2x बराबर कांस्टेंट का 0, तो लिख सकते हैं 4y dy/dx बराबर माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस में 2x, और dy/dx बराबर में 2x बराबर में 4y, ये आ गया। अब एक कट जाएगा, यहाँ पे कट गया, और इन सेकेंड वक्र है तो इन दूसरे वक्र को क्या मान लो ढाल m2, और ए मिल जाएगा x/2y। तो ये ढाल निकल गया m1 और ये ढाल निकल गया m2। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे m1 × m2 करो, तो m1 × m2 m1 क्या निकला हुआ, -x/y × m2। m2 क्या गिवन है, x/2y ये गिवन है, तो गुना करो तो माइनस में x²/2y², तो m1 × m2 दोनों को गुना किए तो क्या -1 आया क्या, m1 × m2 does not equal to -1, तो -1 के बराबर नहीं आया, तो कह देंगे एक समकोण पर नहीं काटता है। एक समकोण पर ये लिख दो, एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटते हैं, एक दूसरे के समकोण पर नहीं काटते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा कि साबित करे कि वक्र एक गिवन है, वक्र y बराबर 2 sin² x एंड y बराबर गिवन है cos 2x। ये वक्र गिवन है और y बराबर इतना और इतना करा, बिंदु x बराबर π/2 एक दूसरे को काटते हैं π/2 पर, मतलब ये बिंदु x बराबर π/6 है, x/π/6 पर एक दूसरे को काटते हैं, सो सिद्ध करना। फिर करा उनका प्रतिच्छेद कोण भी निकाले, तो प्रतिच्छेद कोण भी निकालने के लिए करा, तो पहले हम लोग चेक करते क्या ना, बिंदु x/π/6 पर कट कर रहा है कि नहीं, उसको फाइंड करने के लिए क्या करो, सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस दोनों समीकरण को सॉल्व कर, तो y का वैल्यू यहाँ से रख दो तो क्या आ जाएगा ना, cos 2x आ जाएगा बराबर में 2 sin² ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो y का वैल्यू यहाँ से रख दिए cos 2x, और ये रख दे। अब ध्यान दो,
अब यहाँ पे क्या हो जाए ना, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x। कॉस टू ए का सूत्र होता है 1 - 2 sin² x, तो कॉस टू ए का सूत्र होता है 1 - 2 sin² a। हम लोग 11th में पढ़ चुके तो ये सूत्र लगा दिए, बराबर में क्या हो जाएगा 2 sin² x, तो ए आ जाएगा 1 और इधर जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 4 sin² x आ जाएगा, ए आ गया। अब यहाँ पे ए ना ये दो दो इधर जाकर क्या हो ना जुड़ जाएगा, तो 4 sin² x और इधर बटा में आ गया, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 4 बराबर में sin² x। स्क्वायर इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, रूट में, तो ए रूट में हो जाएगा sin x, तो रूट से निकलेगा तो वैल्यू क्या देगा, 1/2 sin x ए दे दिया। तो साइन है ना, तो यहाँ पे साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है क्या, π/2, तो सॉरी साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो ए लिख दिए साइन 1/2 का मान क्या, साइन 30 डिग्री बराबर में sin x, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, π/6 बराबर x, तो x बराबर क्या होगा, π/6 पर क्या करता है, एक दूसरे को कट करता है, लिख देंगे एक दूसरे को कट करता है, एक दूसरे को क्या करता है, कट करता है, काटते हैं, ये हो गया। अब साबित क्या करना, ध्यान देंगे, अब करा फिर उनका प्रतिच्छेदन कोण भी, अब करा कोण भी ज्ञात करो, तो कोण ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पे ले लो प्रथम वक्र, इसको लिख लेंगे प्रथम वक्र, तब प्रथम वक्र से चल रहे, प्रथम वक्र क्या गिवन है, y = 2 sin² x गिवन है, तो प्रथम वक्र से हम लोग ढाल निकालो, ढाल निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर दो, y का dy/dx और दो दूनी 4 sin x और इनटू sin का क्या हो जाएगा cos x, ये निकाल लिए ढाल, और एक बिंदु दिया हुआ है dy/dx और x बराबर कितना π/6 और ये रख लो, तो 4 और x के जगह पे क्या π/6 और cos π/6 ए रख लिए, तो ए ना इसको ढाल समझ लो m1, प्रथम ढाल समझ लो, अब प्रथम वक्र का है तो ढाल m1 समझेंगे, तो a4, तो sin π/6 मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये दो दूनी 4, तो ए कट जाएगा, तो ए मिल गया यहाँ पे √3m1, तो m1, तो हम लोग ये सूत्र जानते हैं कि है ना m1 tan θ1, तो tan θ1, तो हम लोग यहाँ पे ढाल को क्या सूत्र करते हैं, tan θ से भी थ्योरम हम लोग समझे थे, तो tan θ1 समझ लो, तो tan √3 ये हो जाएगा, तो tan θ1, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan होता है 60 डिग्री, तो ए लिख देंगे 60 डिग्री, तो tan कैंसिल, तो θ1 बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ए निकल गया प्रथम वक्र से ढाक एंगल, प्रथम वक्र का एंगल कितना निकल गया 60 डिग्री। अब इसको रफ कर लेते हैं, क्या रफ कर सकते हैं यहाँ पे, अब निकाल लेंगे क्या ना सेकेंड वक्र से, ए लिख लेंगे दूसरे वक्र से, तो ए दूसरे वक्र से हम लोग निकालते हैं, दूसरे वक्र क्या ना यहाँ पे y = cos 2x है, अब y का डिफरेंशिएट कर दो, तो dy/dx बराबर cos का माइनस में sin 2x और इनटू x के साथ क्या गुणन है 2, अब dy/dx x बराबर π/6, ए बिंदु पे, बिंदु किस पे, π/6 पे, ए दिया हुआ बिंदु π/6 पर, अब इसमें रख दो माइनस में sin 2 × π/6 × 2, तो ए आ जाएगा, इसको समझ लो रेखा 2 ढाल m2 और माइनस में साइन ए कट गया तो कितना हो गया 30, तो ए 60 हो गया, तो 60 साइन π/3 मतलब 60, साइन 60 का मान होता है क्या √3/2, इसको रहने दो π/3 × 2, तो साइन क्या हो जाएगा माइनस में √3/2 इंटू 2 कट गया, तो क्या मिल गया m2 बराबर मिल जाएगा माइनस में √3,
इसको समझ लो टैन थीटा टू वन, ढाल को ही, ढाल को हम लोग क्या समझ लेंगे टैन थीटा, यहाँ पे एम टू है तो थीटा टू लिख लिए, और माइनस टैन है तो टैन कितना डिग्री के माइनस रूट थ्री होता है, तो टैन टैन 120 डिग्री का मान होता है क्या ना रूट थ्री, तो टैन 120 डिग्री का मान होता है माइनस में रूट टैन, टैन कैंसिल तो थीटा टू बराबर क्या मिल जाएगा 120 डिग्री, तो ए थीटा टू निकल गया। तो हम लोग लिख लेंगे दोनों वक्र के बीच का कोण, दोनों वक्र के बीच का कोण, तो दोनों वक्र के बीच का कोण क्या हो जाएगा थीटा, थीटा टू माइनस थीटा वन, तो थीटा टू क्या निकला 120 और माइनस में थीटा वन कितना निकला 60, और घटा दो तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई थ्री, और यही हो गया आंसर, 60 डिग्री का रेडियन क्या हो जाएगा पाई बाई थ्री, ये हो गया आंसर। तो ये दोनों वक्र एक दूसरे को क्या करता है समकोण प्रकार करते हैं, और उनके प्रतिच्छेदन कोण भी क्या निकल गया 60 डिग्री, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 23। 23 में क्या करना है कि साबित करें वक्र ए गिवन है वक्र, और वक्र बाई स्क्वायर बराबर 4x, बाई बराबर बाई स्क्वायर बराबर 4x एंड एंड एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर में 0 करें, एक दूसरे को बिंदु बिंदु क्या गिवन है बिंदु बिंदु 1 2 पर 1 2 पर स्पर्श करते सो करा, स्पर्श करे मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो कह देंगे इस वक्र का और इस वक्र का एक दूसरे को क्या करता है स्पर्श करता है, दोनों का स्लोप इस वक्र का और इस वक्र का स्लोप इक्वल होगा, तो कह देंगे दोनों पर एक दूसरे को क्या करते हैं स्पर्श करते हैं वक्र, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या ना डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई स्क्वायर का डिफरेंस 2y और बाई का डी बाई बाई डी एक्स बराबर 4 कॉन्स्टेंट आ गया, एक्स का डिफरेंशिएट 1 दो बटा में कर दो तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4/2y, और किस बिंदु पर हमें स्लोप फाइंड करनी है किस बिंदु पे 1 पर, तो ए ए डी बाई बाई डी एक्स लिख देंगे बिंदु लिख देंगे 1 और 2 पर, तो ये 4 × 2 एक्स के जगह एक्स तो है नहीं बाई के जगह पे क्या रख देंगे 2 और ए रख दिए बाई के जगह पे 2 तो ए कैंसिल हो 4 और बटा में 4, तो इसको समझ लो एम वन कट गया, तो एम वन का वैल्यू क्या मिल गया 1, तो प्रथम वक्र का स्लोप क्या निकल गया m1। अब हम लोग निकालेंगे दूसरे वक्र का स्लोप के लिए क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y और y का dy / dx, इसका डिफरेंशिएट ये आ गया इसका ये माइनस माइनस 6, x का डिफरेंशिएट 1 1 का 0 और 0 का 0, ये डिफरेंशिएट कर देते लिख सकते हैं 2y dy / dx बराबर बराबर 6 इधर आएगा तो प्लस में 6 2 इधर जाएगा तो माइनस में 2x, और ये आ जाएगा डी बाई बाई डी एक्स बराबर 6 माइनस 2x बटा में लिख लेंगे 2y। अब ये हमें स्लोप किस बिंदु पे निकालनी है तो इस बिंदु पे निकालनी है तो ए 1 2 पे, तो ए x 6 माइनस 2 और x के जगह पे कितना 1 और 2 इंटू y के जगह पे कितना 2, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको समझ लें क्या ढाल 2 m 2 ये सेकंड वक्र है, तो ये बराबर बराबर में सॉल्व करो तो यहाँ पे 2 गुना 1 2 और 6 में घटेगा क्या मिलेगा 4, 2 दूनी 4 यहाँ भी 4 कट गया तो ये मिल गया m 2 बराबर क्या 1, तो m 1 बराबर क्या m 2, तो स्लोप प्रथम वक्र का स्लोप और दूसरे वक्र का स्लोप क्या है इक्वल आया, तो कह देंगे बिंदु एक दूसरे पर क्या करता है स्पर्श करता है स्पर्श करते हैं, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 24 भी क्या फर्स्ट क्या करना सिंपल है करा साबित करें कि वक्र इसमें भी गिवन है वक्र एक्स वाई बराबर 4 एंड एंड ए वक्र गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 बिंदु 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 गिवन है 2 2 और
पर एक दूसरे को स्पर्श करते शो करें, एक दूसरे को स्पर्श करते, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसको क्या कर दो ना, डिफ्रेंशिएट कर दो, और प्रथम वक्र का, तो इसका प्रथम वक्र का डिफ्रेंशिएट करके हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 तो बाई कॉन्स्टेंट में, प्लस आपकी एक्स कॉन्स्टेंट में तो बाई का डिफ्रेंशिएट डी बाई वाई डी एक्स, इवन टू बी से डिफ्रेंशिएट कर ली बराबर कॉन्स्टेंट का जीरो, यहां से हो जाएगा एक्स डी बाई बाई डी एक्स बराबर प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में एक बटन कर दो, तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बाई बाई एक्स, तो इसको लिख लो एम वन, एम वन बराबर माइनस एक्स बटा, और रुकिए किस बिंदु पे हमें स्लोप फाइंड करनी है, तो दो दो पे फाइंड करनी है, इस बिंदु पे स्लोप फाइंड करनी है तो लिख लो माइनस में, और x के जब बाई के जगह पे 2 और x के जगह पे भी क्या है 2 कट गया, तो क्या मिल गया m1, m1 मिल गया माइनस में 1, तब प्रथम स्लोप हम लोग का फाइंड हो गया क्या माइनस में 1। अब दूसरे दूसरे वक्र का ना स्लोप फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या करो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x, y स्क्वायर का 2y और y का dy / dx बराबर कांस्टेंट का जीरो, तो हो जाएगा 2 बाई डी बाई वाई डी एक्स बराबर 2x को इधर लाओ तो माइनस में 2x बटा में कर दो, तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में 2x बटा 2 बाई 2 2 कैंसिल हो गया, हो गया अब डी बाई बाई डी एक्स बिंदु रख लो जी 2 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या ना x के जगह पे 2 रख लीजिए, y के जगह पे 2, ये भी कट गया तो ये हो जाएगा m2, तो ये भी माइनस बनाया मतलब m1 बराबर m2, तो m1 बराबर में क्या आ गया m2 पर, तो इस वक्र का भी स्लोप और इस वक्र का भी स्लोप क्या है इक्वल है, तो कह देंगे बिंदु बिंदु 2 और 2 पर, 2 और 2 पर एक दूसरे को एक दूसरे को समकोण पर का स्पर्श करता है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग समझेंगे सेकेंड, क्या कराना है कि सिद्ध कीजिए कि ए गिवन है वक्र एक्स बराबर वाई स्क्वायर और फिर गिवन है एक्स वाई बराबर में के और फिर गिवन है एंड एंड एक्स बाई बराबर में के, यह गिवन है, फिर करा एक दूसरे को समकोण पर काटती है, क्या करना है ए दोनों वक्र, ए दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती है, सो पूछ रहा है एक दूसरे को समकोण पर काटती है यदि 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 8 के स्क्वायर बराबर क्या गिवन है 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दो ना इसको समीकरण फर्स्ट समझ लो सके ना, तो ए क्या कह लेते ना यहाँ से दूसरे समीकरण से दूसरे वक्र से एक्स प्लस एक्स बाई बराबर क्या ना के, अब दोनों को ना यहाँ पे वर्ग कर दे, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर इसको लिख सकते हैं वर्ग करने पर, तो ए वक्र वर्ग कर देंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, ए वर्ग कर दिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान क्या ना एक्स प्रथम वक्र से और ये रख दिए और के स्क्वायर यहाँ से वैल्यू रख देंगे के स्क्वायर बराबर 1/8, तो के स्क्वायर बराबर क्या रख सकते 1/8, तो 1/8 रख दो तो एक्स इन एक्स क्यूब हो जाएगा बराबर में 1/8, तो एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को रहने दो 1/8 को लिख सकते 1/2 की हॉल क्यूब एस लिख सकते 1/3 को हॉल 1/2 की हॉल क्यूब करेंगे क्या आएगा 1/8, तो पावर पावर कैंसिल हो गया और एक्स का वैल्यू क्या निकल गया 1/2, तो एक्स का वैल्यू 1/2 निकल गया, अब रहने दो, अब ये चल दो प्रथम प्रथम वक्र से, तब प्रथम वक्र, प्रथम वक्र क्या है यह है तो एक्स बराबर में वाई स्क्वायर, अब डिफ्रेंशिएट कह लो तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 वाई स्क्वायर का डिफरेंट 2 वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और इसको इधर लाओ तो 1/2 वाई और बराबर में क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स,
तो वन बटा टू बाय इसको समझ लो प्रथम स्लोप, तो एम वन मान लेंगे, तो एम वन मिल गया कितना टू बाई। अब लोग चल देंगे दूसरे वक्र से, तो दूसरा वक्र क्या ना ए है, तो लिख लो एक्स बाई बराबर में के, इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स यहाँ भी डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट वन तो बाई कांस्टेंट में प्लस, अब की एक्स कांस्टेंट में बाई का डी बाई बाई डी एक्स बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएट जीरो, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स डी बाई बाई डी एक्स बराबर बाई इधर जाएगा माइनस में बाई, और ये हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में बाई बटा में एक्स, तो इसको समझ लो M2 और ए M2 समझ लेंगे सेकेंड स्लोप गिवन है माइनस बाई बाई एक्स। अब हमें चेक करनी है एक दूसरे को समकोण पर काटता है, तो समकोण पे काटता है तो हम लोगों को रखना पड़ेगा M1 इंटू M2 चेक करना पड़ेगा, तो M1 का वैल्यू क्या फाइंड हुआ वन बटा टू बाई इंटू M2, M2 का वैल्यू क्या है माइनस में बाई बटा एक्स, तो ये बाई बाई कैंसिल हो गया और ये बच गया क्या माइनस वन गुना कुछ नहीं माइनस, तो माइनस वन टू और इंटू में एक्स, तो यहाँ लिख लेते एम वन इंटू एम टू, एम वन इंटू एम टू बराबर में माइनस वन बटा टू और एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड कर चुके कितना एक बटा दो, तो यहाँ एक्स का वैल्यू रख देंगे वन बटा टू, टू टू कट गया तो एम वन इंटू क्या गया एम टू, क्या बच गया माइनस वन, तो दोनों स्लोप को गुना करते हैं माइनस वन आ गया, तो कह देंगे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एक दूसरे को किस पे समकोण पर काटते थे। एक क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो गया सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 25। 25 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित वक्रों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहा है, इस जो वक्र दिया हुआ और इस बिंदु पर, इस वक्र का इस बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण। जैसे यहाँ पे ध्यान दो ये वक्र गिवन है, क्या गिवन है वक्र ग्राफ से बताते एक्स स्क्वायर बटा टू बटा थ्री और प्लस में वाई स्क्वायर पर पावर टू बाई थ्री बराबर में टू, इस वक्र का ए समीकरण दिया और इस वक्र का स्पर्श बिंदु गिवन है क्या वन और वन, इस बिंदु पर वन और वन दिया हुआ पी टी, तो इसका करा इस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और ए जो अभिलंब है इस अभिलंब का और पी एन और पी टी का इसका इक्वेशन करा वाट और इसका इक्वेशन करा क्या ना वाट, ये दोनों का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। कब जब ए वक्र और ए बिंदु दे दिया है तब वक्र और बिंदु गिवन है तो इसका समीकरण और इसका समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है बाई माइनस बाई वन बराबर में एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है, मतलब ए बिंदु का काम करेगी एक्स वन बाई वन और अब अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण होता है बाई माइनस बाई वन बराबर माइनस वन बटा एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक इसका अभिलंब का समीकरण होता है। तो हम लोग को अब स्पर्श और अभिलंब दोनों रेखा का समीकरण ज्ञात करनी है, तो ए बिंदु गिवन है, बिंदु की जरूरत है फिर किसका एम का, तब हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे, तो इसको समीकरण ज्ञात करने के लिए समझते क्या करते, इसका सबसे पहले डिफरेंशिएट करते डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा टू बाय थ्री और एक्स के पावर में एक कम करेंगे तो माइनस में वन बटा थ्री हो जाएगा और प्लस इसका डिफरेंशिएट पावर गुना में पावर में एक कम करेंगे तो माइनस में वन बाय थ्री, फिर बाई का डिफरेंशिएट डी बाई वाई डी एक्स बराबर वो कॉन्स्टेंट का डिफरेंस जीरो। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू बटा थ्री बाई पर पावर वन बाय थ्री डी बाई बाई डी एक्स बराबर अब माइनस प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में
टू बाय थ्री एक्स के पावर माइनस वन बाय थ्री ये आ गया। अब एक कांस्टेंट कांस्टेंट कट जाएगा तो क्या बचेगा डी बाय बाई डी एक्स बराबर और माइनस में एक्स के पावर माइनस वन बाय थ्री और ए बटा में आ जाएगा तो बाई पर पावर माइनस वन बाय थ्री वन ए बिंदु पे तो डी बाई बाई डी एक्स बिंदु रख लो वन वन तो अब यहाँ पे रख लेंगे माइनस एक्स के पावर में क्या हो जाएगा वन बाय थ्री और यहाँ पे बाई बराबर भी क्या है वन वन रख देंगे माइनस वन बाय थ्री तो क्या जाएगा माइनस वन और ए मिल जाएगा वन तो क्या मिल गया माइनस वन तो ए मिल गया स्लोप एम बराबर क्या मिल गया वन तो इस वक्र का इस बिंदु पर स्लोप क्या आया माइनस वन और बिंदु बिंदु तो गिवन ही वन वन एक वक्र स्लोप गिवन हो गया बिंदु गिवन हो गया। अब सूत्र लगा दो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है बाई माइनस बाई वन बराबर में एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन तो हो जाएगा बाई बाई वन कितना वन एम कितना माइनस वन एक्स एक्स वन कितना वन। अब इसको सॉल्व कर दो बाई माइनस वन माइनस में एक्स और माइनस माइनस प्लस वन माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस में एक्स प्लस में बाई और ये इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस वन और प्लस वन माइनस वन इधर आएगा प्लस वन और प्लस वन कितना आ जाएगा दो। यही हो गया क्या स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हमें निकालना है अभिलंब रेखा का समीकरण अभिलंब रेखा का समीकरण अभिलंब रेखा का समीकरण का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या ना बाई माइनस बाई वन बराबर में माइनस वन बटा एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन तो बाई बाई वन कितना गिवन है वन एम कितना स्लोप कितना है माइनस में वन और एक्स एक्स वन कितना है वन तो ए माइनस माइनस तो कट गया और बच गया बाई माइनस वन बराबर एक्स माइनस में वन तो इसको लिख सकते हैं ए बाई को इधर ले जाएंगे तो एक्स माइनस बाई माइनस वन कट गया बराबर में जीरो तो एक्स माइनस बाई बराबर क्या आ गया जीरो। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया एक्स प्लस बाई बराबर टू अभिलंब का समीकरण हो गया एक्स माइनस बाई बराबर जीरो इसका समीकरण ए आया और इसका समीकरण ए आया तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड थर्ड फोर्थ इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 25 का सेकेंड इसमें भी कहा जा रहा है स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए ए दिया हुआ तो इसमें स्पर्श एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड है तो क्या करो ना डिफ्रेंशिएट कर दो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और ये हो गया और बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यू का डिफरेंशिएट थ्री एक्स स्क्वायर किस बिंदु पर तो वन वन पर ये लिख दो डी बाई बाई डी एक्स और ए वन वन पर ते थ्री इंटू वन का स्क्वायर ते क्या आ जाएगा थ्री इंटू वन और थ्री ए निकल गया स्लोप स्लोप निकल गया क्या थ्री और बिंदु तो ए स्लोप निकल गया थ्री और बिंदु तो ऑलरेडी गिवन ही है क्या ना वन वन तो ये बिंदु वन वन गिवन है तो हम लोग निकाल लेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बाई माइनस बाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन यही होता है अभी अभी हम लोग समझे तो बाई माइनस बाई वन क्या गिवन है वन वन बराबर में एम एम क्या निकला थ्री और एक्स एक्स माइनस माइनस एक्स वन क्या गिवन है वन और ए वन तो बाई माइनस वन बराबर थ्री एक्स माइनस में थ्री। अब इसको सॉल्व कर लो तो थ्री एक्स बाई को इधर लाओ तो माइनस बाई और माइनस माइनस वन और माइनस थ्री इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में थ्री इसको जोड़ ले तो टू तो थ्री एक्स माइनस बाई तो लट के लिख दो थ्री एक्स माइनस बाई बराबर टू ये हो गया किसका स्पर्श रेखा का। फिर करा अभी लंब रेखा का समीकरण बताओ तभी लंब रेखा का समीकरण क्या होता है बाई माइनस बाई वन बराबर में माइनस वन बटा एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन
तो बाई माइनस बाई बन कितना वन माइनस में एम वन कितना एम वन निकल चुका है थ्री और एक्स माइनस एक्स बन कितना वन तो गुना कर दो तो क्या हो जाएगा थ्री बाई अब माइनस में थ्री बराबर माइनस एक्स अब माइनस माइनस प्लस में वन माइनस एक्स इधर आएगा प्लस में एक्स प्लस में थ्री बाई बराबर में माइनस थ्री जाके जुड़ जाएगा प्लस में चार। ए आ गया क्या अभिलंब का समीकरण। ए होगा क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड है। 25 का थर्ड में क्या करना है बाई बराबर एक्स स्क्वायर और बिंदु दिया हुआ है जीरो जीरो पर और करा इसका भी स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। तो क्या करो ना यहाँ पे बाई का डिफरेंस डी वाई बाई डेक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा टू एक्स ये हो गया। अब एक इस बिंदु पे निकालनी है तो ए बिंदु ए रख दो जीरो और जीरो रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा टू इंटू जीरो तो ए क्या मिल गया यहाँ पर जीरो और जीरो तो स्लोप एम वन क्या मिल जाएगा जीरो और बिंदु किस पे जीरो जीरो पर क्या ज्ञात करना स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है अब वैल्यू रख दो बाई और बाई वन क्या है जीरो और स्लोप स्लोप एम स्लोप भी क्या निकल चुका है जीरो और ई एक्स माइनस एक्स वन भी क्या है जीरो और ए कह ली। तो यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको मिटा लो ए मिटालिए तो यहाँ पर क्या मिल गया बाई माइनस में जीरो बराबर में जीरो तो बाई बराबर क्या मिल गया जीरो। एक किसका स्पर्श रेखा समीकरण। अब करा अभिलंब रेखा का समीकरण। तभिलंब रेखा का समीकरण का फॉर्मूला यही होता है फॉर्मूला लगा लिए बाई माइनस बाई वन कितना है जीरो तो जीरो लिख लिए और बराबर में माइनस वन इसका वैल्यू जीरो जीरो स्लोप एम बराबर जीरो आया और एक्स इसका वैल्यू भी जीरो। अरे अब इसको जीरो को तिरछा गुना करो तो क्या आ जाएगा जीरो बराबर में माइनस एक्स और प्लस में जीरो तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा जीरो। अभिलंब रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा x बराबर जीरो और स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर जीरो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 25 का 4। ए क्या करना ए भी सेम क्वेश्चन है ए वक्र दिया हुआ और ए कराना इस बिंदु पर स्पर्श एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। तो स्पर्श अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए डिफ्रेंशिएट कर दो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जिससे हम लोग स्लोप फाइंड कर लो। तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स बराबर एक्स के पावर फोर का हो जाएगा फोर एक्स क्यूब माइनस में छोटिया 18 एक्स स्क्वायर ये मिल गया प्लस में 13 दुने क्या हो जाएगा 26 एक्स और माइनस में 10 एक्स का डिफरेंस वन और कांस्टेंट का जीरो ये आ गया। अब किस डी बाई बाई डी एक्स किस बिंदु पर हमें स्लोप फाइंड करनी है वन वन थ्री पर तब यहाँ पे हो जाएगा फोर इंटू वन के जगह पर एक्स के जगह पे वन तो वन क्यू माइनस 18 इंटू वन स्क्वायर और प्लस में 26 इंटू वन और ये क्या हो 10 गुना वन 10 हो जाएगा और इसको सॉल्व करें तो 4 और 18 प्लस में 26 माइनस में 10 और इसको अब हम लोग यहाँ पे ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा 30 और माइनस इसको यहाँ पे करें तो माइनस में 28 बराबर में 2 ए निकल गया एम तो स्लोप मिल गया कितना 2 और बिंदु निकल गया क्या बिंदु तो ऑलरेडी गिवन है 1 और 3 बिंदु स्लोप निकल गया 2 और लिख लो बिंदु तो बिंदु क्या ना गिवन है 1 और 3 और ए स्लोप और इस बिंदु पर हमें क्या फाइंड करनी है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या सूत्र होता है बाई माइनस बाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन बाई माइनस बाई वन बाई वन क्या गिवन है 3 बराबर एम एम क्या मिला 2 लिख लो और एक्स माइनस एक्स वन क्या है 1 बाई माइनस में 3 बराबर 2x और माइनस 2 तो ये हो जाएगा 2x बाई इधर आएगा माइनस बाई और माइनस 3 2 इधर आएगा प्लस में 2 तो माइनस 1 बराबर 2x माइनस बाई। अब ना यहाँ पे क्या कर दो 2x और माइनस में बाई और ये हो जाएगा माइनस में
बराबर में माइनस वन, तो ए निकल गया किसका, स्पर्श आरएचएस को एलएचएस लिख दी, एलएचएस को आरएचएस लिख दी, तो ए स्पर्श रेखा का समीकरण निकल गया। अब की कह रहा है अभिलंब, अभिलंब रेखा का समीकरण, तो हम लोग सूत्र जानते हैं बाई माइनस बाई वन बराबर में माइनस वन बटा एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। तो बाई माइनस बाई वन कितना फाइंड हुआ है, थ्री माइनस वन, एम एम कितना फाइंड हुआ है टू, और एक्स माइनस एक्स वन वन गुना कर दो तो टू बाई माइनस सिक्स माइनस में एक्स माइनस माइनस प्लस में वन, प्लस में वन ए आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो एक्स प्लस में टू बाई, और इधर ले आएंगे तो माइनस सेवन, माइनस सेवन बराबर में क्या हो जाएगा जीरो, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 25 का क्या ना फोर, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 25 का फाइव। इसका कहा जा रहा है क्या ना, इसमें भी स्पर्श और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, क्या करो ना इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट टू एक्स, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है रह जाएगा माइनस, बाई स्क्वायर का टू बाई, और बाई का डी बाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट में बी स्क्वायर रह जाएगा बराबर वन का जीरो, अरे आ गया। अब ए लिख देंगे यहाँ पे टू एक्स बटा में ए स्क्वायर, अब माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में टू बाई बटा में बी स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा, टू टू कट गया। अब ये तिरछा तिरछी गुना कर दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स बटा में ए स्क्वायर बाई बराबर में डी बाई बाई डी एक्स, और अब यहाँ पे आर एच एस को एल एच एस लिख दो, डी बाई बाई डी एक्स बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर बाई। अब हमें ए बिंदु पर और ए डी बाई बाई डी एक्स किस बिंदु पे स्लोप फाइंड करनी है, तो इस बिंदु पर x नोट और y नोट पर, तो ये हम लोग रख देंगे यहाँ पे b स्क्वायर x के जगह पर x नोट रख दो, और a स्क्वायर y के जगह पे y नोट रख दो, तो ये मिल जाएगा ये क्या ना स्लोप, ये स्लोप मिल गया m बराबर क्या, अब b स्क्वायर x नोट और बटा में a स्क्वायर y नोट, ये स्लोप मिल गया। अब स्लोप मिल गया हम लोग निकाल लेंगे, और बिंदु बिंदु क्या की बने x नोट y नोट, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा y माइनस y वन बराबर m इंटू x माइनस x वन, y माइनस y वन, y वन क्या गिवन है y नोट बराबर m क्या गिवन हो गया b स्क्वायर x नोट बटा में a स्क्वायर y नोट, और x माइनस x वन कितना गिवन है x नोट, x नोट। अब इसको गुना कर दो तो a स्क्वायर y नोट y, और ये हो जाएगा a स्क्वायर y नोट स्क्वायर बराबर एक गुना हो जाएगा b स्क्वायर x नोट x माइनस में b स्क्वायर x नोट स्क्वायर, ये लिख दी। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या ना हो जाएगा यहाँ पे टर्म बी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, यहाँ पे ए माइनस वाला टर्म किधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, और फिर माइनस में ए स्क्वायर बाई नॉट स्क्वायर, और फिर ए वाला टर्म हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस में बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट, और प्लस में ए स्क्वायर by not by बराबर में जीरो, यही हो गया आंसर। तो किसका स्पर्श रेखा का समीकरण, अब इसी प्रकार से किसका निकाल लेंगे अभिलंब रेखा का समीकरण, फॉर्मूला पुट करके रख लेंगे, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का 5। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 से। थैंक यू अजडेन सुखजा, फिर मिलते अगले क्लास में।